Hey everyone, welcome back to my channel. Hope you all are doing good. आज मैं चिकन की एक मज़ेदार रेसिपी लेकर आई हूँ. अगर आपको ये रेसिपी अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा. प्रेस द बेल आइकन सो दैट यू गेट नोटिफाइड व्हेनेवर आई कम अप विथ माई न्यू वीडियो. সামনে ঈদ, আর ঈদ মানেই আত্মীয় স্বজনের বাড়িতে যাওয়া, আত্মীয় স্বজনকে নিজের বাড়িতে আমন্ত্রণ দেওয়া. তো ঈদকে মাথায় রেখেই আজকে আমার এই রেসিপিটা. আজকে আমি ভিডিওটা বাংলা দিয়ে শুরু করলাম, কারণ আমার প্রচুর বাংলাদেশের বন্ধু হয়েছে এই ইউটিউব জার্নিতে, যারা আমাকে বলে দিদি আমার হিন্দি বুঝতে একটু অসুবিধা হয়, তাই এবার থেকে আমি চেষ্টা করব একটু একটু বাংলায়ও বলার আমার ভিডিওতে, যাতে তাদেরও কোনো অসুবিধা না হয়। তো ঈদ হো ইয়া দুর্গা পূজা, হোলি হো ইয়া দিওয়ালি, সভি মে হাম আপনে আপনো সে জুড়নে কা ইয়ে বহুত বড়া অবসর হতা হ্যায়, আর কহতে হ্যায় না দিল কা রাস্তা পেট সে হোকার জাতা হ্যায়, তো কিসি ভি ফেস্টিভাল মে খানা জরুরি হ্যায়, তো উসকে লিয়ে বানানা ভি জরুরি হ্যায়। तो चलिए आज और बातों को ना बढ़ाते हुए हम चले जाते हैं आज के रेसिपी पर. आज हम बनाएंगे ईद स्पेशल चिकन चाप. तो चिकन चाप बनाने के लिए देखिए, बड़ी इलायची, छोटी इलायची, लौंग, शाहजीरा, गोलकी और जायत्री को, इन मसालों को पहले हम थोड़ा सा रोस्ट कर लेंगे. रोस्ट करके इसे हम एक पाउडर बना लेंगे. ये गरम मसाला जो है वो हम यूज़ करेंगे. देखिए ये ठंडा हो जाए तो हम इसे अब ग्राइंडर में डालकर ग्राइंड करके रखेंगे. चिकन चाप के लिए मैरिनेशन बहुत इम्पॉर्टेंट होता है. उसके लिए हमने देखिए इसमें 2 टेबलस्पून पॉपी सीड लिया है. उसके बाद हम इसमें 2 टेबलस्पून काजू लेंगे और इसको हम पहले हम सूखे में ही इसको ग्राइंड करके एक पाउडर बना लेंगे. अब इसमें हम डालेंगे अनियन, जिंजर, गार्लिक, ये सब डाल के और फिर इसको हम एक पेस्ट बना लेंगे. देखिए इसके लिए मैरिनेशन ही बहुत इम्पॉर्टेंट है, बस और ज़्यादा कुछ करना नहीं है. अब इस पेस्ट में हम दही डालेंगे, उसी ग्राइंडर में डालकर मिला लेंगे, तब सारे मसाले जो है एक साथ मिक्स हो जाएंगे. देखिए हमने मिला लिया है, तो देखिए हमारा एक ऐसा स्मूथ पेस्ट तैयार हो गया है चिकन को मैरिनेट करने के लिए. अब इसमें हम 2 टेबलस्पून सत्तू डालेंगे. अगर आपके पास सत्तू ना हो तो आप रोस्टेड बेसन भी यूज़ कर सकते हैं. थोड़ा सा एकदम हम हल्दी डालेंगे, हल्दी का ज़्यादा नहीं यूज़ करेंगे. और फिर हम डालेंगे देखिए लाल मिर्च का पाउडर और इसमें हम डालेंगे नमक. स्वाद अनुसार हम नमक डालेंगे. इसको अच्छे से मिला लेंगे. फिर देखिए हम इसमें डालेंगे गरम मसाला जो हमने बनाया था शुरू में रोस्ट करके सारे मसालों को, उसका जो है पाउडर वो हम डालेंगे. डालेंगे इसमें थोड़ा सा शुगर, हम इसी में शुगर डाल देंगे ताकि वो जब हम फ्राई करेंगे चिकन को थोड़ा कैरमलाइज होगा तो कलर अच्छा आएगा. फिर हम देखिए डाल रहे हैं गुलाब जल. गुलाब जल 1 टीस्पून डालेंगे और हम क्यावरा वाटर भी 1 टीस्पून डालेंगे. इससे क्या होगा, जो फ्लेवर आएगा वो बहुत ही अच्छा आएगा. आप इसमें मीठा अतर भी डाल सकते हैं, मेरे पास अभी नहीं था तो मैंने नहीं डाला, लेकिन मीठा अतर डालेगा तो थोड़ा सा डालिएगा. अब चलिए चिकन को मैरिनेट करने का प्रोसेस करते हैं. चिकन को अच्छे से धो के देखिए हमने ऐसे कट्स लगा लिए हैं. इसमें पानी नहीं रखिएगा और देखिए कट्स लगाने से इसमें जो है सारे मसाले अच्छे से इसके अंदर जाएंगे. तो अब हम जो पेस्ट तैयार किए थे उससे हम चिकन को मैरिनेट करेंगे. तो ये था मेन प्रोसेस. मैरिनेशन जो है बहुत इम्पॉर्टेंट है इसके लिए. तो अब हम चिकन को अच्छे से इसमें मिला लेंगे. चिकन को मैरिनेट करने के बाद हम उसे 2 घंटा रेस्ट करने के लिए छोड़ देंगे. फिर हम चले जाएंगे नेक्स्ट प्रोसेस में. देखिए मैंने पैन में घी ले लिया है. आप चाहे तो तेल और घी को मिलाकर भी ले सकते हैं, लेकिन मैंने सिर्फ घी का ही यूज़ किया है इस रेसिपी के लिए. फिर हम धीरे धीरे मैरिनेशन से
चिकन को उठाकर एक एक पीस करके उस घी में फ्राई कर लेंगे। हम मीडियम फ्लेम में चिकन को ढककर कुक करेंगे ताकि चिकन अच्छे से कुक हो जाए। देखिए फिर हम एक तरफ से कुक हो जाएगा, देखिए कैसा सुंदर ब्राउन कलर आया है। तो हम इसे धीरे से फिर पलट देंगे नेक्स्ट साइड कुक होने के लिए। फिर हम गैस को मीडियम फ्लेम में ही रखेंगे और इसको ढककर कुक करेंगे। अब देखिए चिकन कुक हो चुका है, देखिए फ्राई भी हो चुका है, इसका कलर चेंज हो गया है। तो अब हम इसमें जो मैरिनेशन जो था उसमें थोड़ा सा पानी डालकर, वो मैरिनेशन जो बच गया था उसमें थोड़ा सा पानी डालकर हम इसमें उसको डाल देंगे। और इसमें कोई भी पानी नहीं जाएगा, बस उसी में कुक होगा, पानी नहीं डालिएगा इसमें। अगर आपको लगे ग्रेवी कम है तो थोड़ा सा आप दूध डाल सकते हैं। तो मैंने देखिए अब उसको थोड़ा सा लो कर देंगे फ्लेम, अब इसको थोड़ा सा कुक होने देंगे ग्रेवी तैयार होने के लिए। अब देखिए चिकन ऑलमोस्ट डन है, कितना सुंदर कलर आया है। अब बस थोड़ा सा इसमें ऐड करेंगे गरम मसाला जो हमने शुरू में बनाया था, वही गरम मसाला ऐड करेंगे। और इसमें अरोमा के लिए डालेंगे फिर से थोड़ा सा गुलाब जल, थोड़ा सा केवड़ा वाटर, और मैंने देखिए दूध में कुछ सैफ्रन स्ट्रैंड्स को भिगो के रखा था, ये भी बहुत अच्छा फ्लेवर देता है, एक शाही अंदाज देता है आपके डिश को। तो उसे हम डालेंगे फ्लेवर के लिए, अगर आपके पास ना हो तो आप स्किप भी कर सकते हैं। फिर हम इसमें लास्ट में घी ऐड करेंगे। तो बस हो गया आपका चिकन चाप। तो बस देर किस बात की है, बनाइए और एंजॉय कीजिए अपनी फैमिली के साथ। नान पराठा या रोटी के साथ सर्व कीजिए गर्मा गर्म। और अगर आपको ये रेसिपी किसी भी वजह से अच्छी लगी हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और हाँ, एक सबसे इम्पॉर्टेंट बात, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले और जो बेल आइकन है उसको ज़रूर प्रेस करें सो दैट यू गेट नोटिफाइड व्हेनेवर आई कम अप विद अ न्यू वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।